अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयाज एकेडमी। सो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 के। जो चैप्टर का टाइटल है वो है फिज़िकल ऑप्टिक्स। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया है स्टूडेंट्स कि जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो तरीका ये है कि आपने न्यूमेरिकल को 3 स्टेप में सॉल्व करना है। किस तरह? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है, और इसको समझना है, मतलब ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में आपने गिवन डेटा निकालना है। सेकंड स्टेप में आपने ये देखना होगा कि आपने फाइंड क्या करना होगा, और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, कैलकुलेशन को, ठीक है। सो कैलकुलेशन में जिस चीज़ को आपने कैलकुलेट करना होता है उसका फार्मूला न्यूमेरिकल में आपने याद रखना होता है, और लास्ट में आपने यूनिट नहीं भूलना अगर होगा तो। So statement of first numerical इस तरह है, in a young double slit experiment the separation of the slit is 1 millimeter and the red light wavelength is 620 millimeter is the falling on it. Determine the distance between the center bright band and the fifth bright friend on the screen which is a 3 meter away from the slit. सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स जो है ये क्या है, ये है डी, और डी कितना है, डी है 1 मिलीमीटर। अब इस 1 मिलीमीटर को हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो किस तरह, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻³ के साथ, तो ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। इस तरह वेवलेंथ जो है वो क्या है, लैम्डा, और लैम्डा कितना है, लैम्डा है 620, ठीक है, 620 नैनोमीटर। सो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 620 नैनो मीन 10⁻⁹, और ये हो जाएगा मीटर। देन डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम स्लिट जो है वो है एल, और एल कितना है, ये है 3। अब इस न्यूमेरिकल में जो रिक्वायर्ड चीज़ है या हमने जिस चीज़ को फाइंड करना है वो क्या है, वो है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड फिफ्थ ब्राइट ऑफ फ्रेंच। सो ये जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर होगा चेंज इन y इज इक्वल टू y5 माइनस y0। मतलब क्या है कि इसको हम फाइंड करेंगे और इसको, देन इससे हम इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे, तो हमारे साथ क्या फाइंड होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, एंड फिफ्थ ब्राइट ऑफ ए फ्रेंच। सो ये हो जाएगा सोल्यूशन। अब नाउ जो फार्मूला है पर mth ब्राइट फ्रेंच के लिए, वो किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है ym, ठीक है, इज इक्वल टू l डिवाइड बाई d मल्टीप्लाई m इनटू वेवलेंथ विच इज लैम्डा। सबसे पहले हम क्या फुट करेंगे, सॉरी, हम सेंट्रल ब्राइट के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे। सो सेंट्रल ब्राइट के लिए जो m की वैल्यू होगी वो किस चीज़ के बराबर होगी। अब इधर जब हम क्या पुट करेंगे, y0। सो जब हम 0 पुट करेंगे m की जगह, सो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 एंड डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। सो y0 क्या आ जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। इस तरह फॉर फिफ्थ ब्राइट फ्रेंच के लिए हम क्या पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, ठीक है। सो y5 जो है ये इक्वल हो जाएगा, l कितना है 3 डिवाइड बाई d है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³, सही है। इसी तरह m बराबर हो जाएगा 5 और लैम्डा जो है ये कितना है, ये है 620 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, सही है। सो y5 को कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा पर फिफ्थ ब्राइट फ्रेंच के लिए जो वैल्यू होगी वो किस चीज़ के बराबर होगी, y5 जो है ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये इक्वल हो जाएगा 9300 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻6, ठीक है, और मीटर। इस तरह इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ मीटर, सही है। सो ये फिफ्थ ब्राइट फ्रेंच के लिए वैल्यू आ गई। नाउ जो चेंज इन y है ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ और -0, सो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ के बराबर। सही है। सो ये हमारे साथ क्या आ गया, ये हमारे साथ आ गया वैल्यू के डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड फिफ्थ ब्राइट की जो वैल्यू है वो इस चीज़ के बराबर होगी। सही है। अब अगर इसको हम मिली में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या है मीटर, तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हमें मालूम है कि जो 10⁻³ ये किस चीज़ के बराबर है, ये मिली के बराबर है। सो ये हो जाएगा मिली मीटर। सही है। सो वैल्यू क्या आ गई, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड फिफ्थ ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस ये आ गया 9.3 मिली मीटर। सो ये हो गया फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल सॉल्व। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। सेकंड नंबर न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है 2 पैरेलल स्लेट आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट अप 2 वेवलेंथ, वन अप विच इज 5.8 multiply 10⁻⁷ meter. On the screen the fourth dark line of the known wavelength coincides with the fifth bright line of the light of unknown wavelength. Find the unknown wavelength. Given data of second number numerical. देखिए इधर given data में जो सबसे पहले चीज़ given है वो है lambda wavelength, और wavelength कितना है 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻. इस तरह इस न्यूमेरिकल में हमने क्या फाइंड करना है, अननोन वेवलेंथ विच इज लैम्डा डैश। सो किस तरह फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज, अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सो लेट्स सपोज ym जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ फोर्थ डार्क फ्रेंच को, पोजीशन ऑफ फोर्थ डार्क फ्रेंच को। ठीक है। इसी तरह ym डैश जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सो ये रिप्रेजेंट करेगा फिफ्थ ब्राइट फ्रेंच को, फिफ्थ ब्राइट फ्रेंच को। ठीक है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक ये ym जो है ये किसके बराबर होगा, ym डैश के। ठीक है, ym डैश के। अब जो डार्क फ्रेंच होता है इसके लिए जो फार्मूला होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, ये बराबर होगा L/D। ठीक है, इनटू m और प्लस हाफ। ठीक है, प्लस हाँ। इस तरह ym डैश जो ब्राइट फ्रेंच है इसके लिए जो फार्मूला है वो किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है L/D इनटू m मल्टीप्लाई वेवलेंथ डैश। अब जो फोर्थ फ्रेंच है इसकी जगह हम क्या फुट करेंगे, और फोर्थ फ्रेंच डार्क फ्रेंच इसके लिए जो m होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो 4 के बराबर होगा। इस तरह परफेक्ट ब्राइट फ्रेंच के लिए जो पोजीशन होगा m वो क्या होगा, वो होगा 5। सो इधर जो ये L/D ये दोनों क्या होते हैं, आपस में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आपस में क्या होते हैं, ख़त्म। अब जो फार्मूला है ये, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये किसके लिए है, ये डार्क के लिए। ठीक है। सो इधर जो m की वैल्यू हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 4 प्लस हाफ। ठीक है, और इधर लैम्डा भी है। ठीक है, इधर क्या है, लैम्डा भी है, और इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा। सो ये हो जाएगा लैम्डा। इसी तरह m जो है पावर ब्राइट ये है 5 और मल्टीप्लाई लैम्डा डैश, मल्टीप्लाई लैम्डा डैश। नेक्स्ट इसका LCM लेंगे तो ये आ जाएगा क्या 2, और ये हो जाएगा 2 1s are 2, 2 4s are 8 और प्लस 1 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 5 लैम्डा डैश। सो इससे आ जाएगा 9/2 इंटू लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 लैम्डा डैश। अब हमने इसको फाइंड करना है लैम्डा डैश को, सो लेमडा डैश जो है ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के 9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई लेमडा का क्या वैल्यू है 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ और ये 5 क्या हो जाएगा ये इसके नीचे आएगा ठीक है। ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये भी इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा 5 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। सो इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा लेमडा डैश वो क्या आएगा वो आ जाएगा 5.22 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ और मीटर। सो ये हमारे साथ फाइनल आंसर आ गया कि लेमडा डैश जो अननोन वेवलेंथ है वो इसके बराबर होगा। इधर आपने क्या इस न्यूमेरिकल में गिवन डेटा था एक वेवलेंथ ठीक है, एक वेवलेंथ जो अननोन था वो हमने फाइंड करना था। सो न्यूमेरिकल नंबर 2 में जो गिवन डेटा था वो क्या था एक वेवलेंथ गिवन था ठीक है, एक वेवलेंथ जो अननोन था वो हमने क्या था करना था फाइंड करना था। हमने अज्यूम कर दिया कि ये है पोजीशन ऑफ पोर्ट डार्क फ्रेंच ठीक है और ये है पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रेंच। ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जो डार्क फ्रेंच हमने फाइंड करना है इसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा ठीक है, ये आप लेक्चर्स में देखिए। और जो ब्राइट फ्रेंच के लिए होगा वो क्या हो ये फार्मूला होगा। अब 4 को हमने क्या एम हमारे साथ इक्वल हुआ 4 के और फॉर फिफ्थ ब्राइट फ्रेंच के लिए एम हमारे साथ कितना है किसके इक्वल हुआ 5 के। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी और हमारे साथ ये आंसर आ गया कि अननोन वेवलेंथ बराबर होगा 5.22 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। न्यूमेरिकल नंबर 3 सो स्टेटमेंट है व्हेन द मूवेबल मिरर ऑफ ए मिकल्सन इंटरफेरोमीटर एज मूव्ड 0.01 मिलीमीटर हाउ मेनी डार्क फ्रिंजेस passes through the reference point if the light of the wavelength 580 nanometer is used given data। गिवन डेटा अब 3rd नंबर न्यूमेरिकल में क्या है टोटल डिस्टेंस विच इज पी और वो कितना है वो है 0.01 मिलीमीटर ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो किस तरह इस तरह ही हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ मीटर। नेक्स्ट चीज़ जो गिवन है वो है वेवलेंथ लेमडा। लेमडा कितना है लेमडा है 580 ठीक है 580 नैनोमीटर। सो ये हो जाएगा 580 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर के ठीक है। रिक्वायर्ड या फाइंड हमने इस न्यूमेरिकल में क्या किस चीज़ को करना है सो फाइंड हमने डार्क फ्रेंचेस को करना है विच इज एम ठीक है नंबर ऑफ डार्क फ्रेंचेस। सो ये हो जाएगा कैलकुलेशन या सोल्यूशन। किस तरह कैलकुलेट करेंगे हमें मालूम है कि जो लेमडा होता है ये बराबर होता है किस चीज़ के 2p डिवाइड बाई एम के ठीक है। अब हमने किस चीज़ को फाइंड करना है एम को तो एम जो है इधर देखें m बराबर हो जाएगा 2p डिवाइड बाई लेमडा और m बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पी है 0.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ डिवाइड बाई 580 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ सो m कितने आएगा m आ जाएगा 3.45 ठीक है मल्टीप्लाई 10⁻⁹ सही है। सो इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा m जो है ये इक्वल हो जाएगा कितना ये बराबर हो जाएगा 34.5 फ्रिंजेस। सो ये हमारे साथ आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 3 में जो गिवन डेटा था एक था क्या टोटल डिस्टेंस p एक था वेवलेंथ हमने फ्रिंजेस को फाइंड करना था फार्मूला ये है सो m इसके बराबर होगा वैल्यूज पुट करेंगे। और न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टेटमेंट है अ सो फिल्म हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.40 हाउ थिक मस्ट बी अ फिल्म बी ठीक है इफ इट अफियर्स ब्लैक व्हेन मर्करी लाइट ऑफ अ वेवलेंथ इज 546.1 नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट नॉर्मली गिवन डेटा ऑफ 4th नंबर न्यूमेरिकल। गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है, सो एक गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज एन। एन कितना है 1.40। दूसरा चीज़ क्या गिवन है, वेवलेंथ विच इज लैम्डा। लैम्डा गिवन है 546.1 नैनोमीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में ये हो जाएगा 4546.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ मीटर। सही है। अब रिक्वायर्ड चीज क्या है इस न्यूमेरिकल में, रिक्वायर्ड है थिकनेस ऑफ ए फिल्म विच इज टी। ठीक है, सो इसको हमने फाइंड करना है। इधर एक और चीज जो होगा वो क्या, m जो है ये इक्वल भी होगा 1 के। सही है। सो सॉल्यूशन हम क्या फाइंड करेंगे, थिकनेस ऑफ फिल्म विच इज टी। सो हमें मालूम है कि जो 2nT जो है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा m इंटू लेमडा के। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने फाइंड करना है, थिकनेस ऑफ फिल्म। सो ये बराबर हो जाएगा m इंटू लेमडा डिवाइड बाई 2 इंटू एन विच इज़ इंडेक्स। सो t जो है ये इक्वल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 546.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई इंडेक्स है 1.40। सही है। इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा थिकनेस ऑफ ए फिल्म वो इक्वल होगा किस चीज़ के, 1.95। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ मीटर। सो ये हमारे साथ आंसर आ गया फाइनल। गिवन डेटा में इंडेक्स गिवन था, लेमडा गिवन था, एम गिवन था, थिकनेस ऑफ फिल्म हमने फाइंड करना था। फार्मूला ये है, सो ये इक्वल हो जाएगा इसके, वैल्यूज पुट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टेटमेंट है अ डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग हैज अ 5000 लाइन पर सेंटीमीटर, एट व्हाट एंगल डज द सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ द सोडियम येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 589 नैनोमीटर अकर। गिवन डेटा ऑफ 5th नंबर न्यूमेरिकल। गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है, सो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो है n। ठीक है, क्या n मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। सो n जो है ये कितना है 5000। ठीक है, लाइंस पर सेंटीमीटर। सो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो ये हो जाएगा 530 × 20 मोर लाइंस पर मीटर। अब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई कितने जीरोज हैं 5, सो 10⁻⁵ लाइन पर मीटर। इस तरह d जो है ये किसके बराबर है 1/n के। सो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ ठीक है, सो इससे क्या आएगा, इससे आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ मीटर। अब पर सेकंड ऑर्डर वे फुट n इज इक्वल टू, सेकंड ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे। ठीक है, पर सेकंड ऑर्डर। ठीक है, n किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। इस तरह वेवलेंथ जो गिवन है लैम्डा वो कितना है, वो है 589 मल्टीप्लाइड नैनोमीटर है, सो 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, और क्या कहता है हमें कि किस चीज़ को फाइंड करें, व्हाट एंगल। सो हमने किस चीज़ को फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल में, इधर अगर मैं आपको लिख दूँ एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, थीटा। सो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अब थीटा को फाइंड करने के लिए हमें मालूम है कि साइन थीटा बराबर होगा किस चीज़ के, m इंटू लेमडा डिवाइड बाई डी, ठीक है, m इंटू एम डा लेमडा डिवाइड बाई। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इस तरह देखें, इधर में साइन थीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा, m कितना है, m है, इधर देखिए अब ये सेकंड ऑर्डर है, सो m क्या होगा, m भी 2 के बराबर होगा, ठीक है। लेमडा कितना है, लेमडा है 589 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ डिवाइड बाई डी जो है ये है कितना 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। सो साइन थीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 589, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10, इस पावर को हम ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -9 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस डिवाइड बाय 0.2। अब साइन थीटा जो है ये इक्वल आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5890 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ -9 प्लस 5 से -4। अब और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.5890, ठीक है। सो थीटा जो है अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, इस साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा इंटू 0.5890, ठीक है। सो थीटा जो है इक्वल आ जाएगा कितना 36 डिग्री। सो ये हो गया आंसर। न्यूमेरिकल में ये गिवन था नंबर ऑफ लाइन पर सेंटीमीटर, इसको मीटर में पहले कन्वर्ट कर दिया। इधर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 5 और कितने जीरोज है 5, सो ये हो जाएगा 10⁻⁵ लाइन पर मीटर। डी को फाइंड करने के लिए 1/n, तो ये आ जाएगा ये वैल्यू। सेकंड ऑर्डर के लिए n = 2 और m की भी क्या वैल्यू होगी, वो भी 2 के बराबर होगी, आपने याद रखना है m भी किस चीज़ के बराबर होगा 2 के। लैम्डा ये है, थीटा हमने फाइंड करना है, फार्मूला ये है, सबसे पहले वैल्यूज ये फुट कर दी, ठीक है। अब थीटा को फाइंड करने के लिए साइन इधर ले। न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टेटमेंट है लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग व्हिच हैज 250 लाइन पर मिलीमीटर, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर विच द डिविएशन इन अ सेकंड ऑर्डर इज 12 डिग्री। सो गिवन डेटा ऑफ 6 नंबर न्यूमेरिकल जो है उसमें पहले जो गिवन है वो क्या है, वो है n नंबर ऑफ लाइन और वो कितने हैं, वो है 250 लाइन पर मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो ये हो जाएगा 250 और इसके साथ 30 ऐड होंगे, ठीक है। तो ये अब हो जाएगा लाइन पर मीटर। इसको अगर और सिंप्लीफाई हम करें तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितने जीरोज है 1 2 3 4 और एक ये 5 वाला हो जाएगा तो ये 5, ठीक है, लाइन पर मीटर, ठीक है। पर सेकंड ऑर्डर के लिए जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2, ठीक है, m की वैल्यू क्या है 2। इस तरह जो थीटा है वो कितना है, वो है 12 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है न्यूमेरिकल में, जो फाइंड हमने चीज़ करना है वो है वेवलेंथ विच इज़ लैम्डा। अब देखिए इधर किस तरह फाइंड करेंगे। सो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें मालूम है सॉल्यूशन, हमें मालूम है कि जो d साइन थीटा होता है, ठीक है, d साइन थीटा ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये बराबर होता है m इंटू लैम्डा। अब जो d है, d ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है 1/n। तो इधर हम क्या फुट करेंगे 1/n, ठीक है, इज इक्वल इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा। अब इस चीज़ को हमने फाइंड करना है, ठीक है। सो जो लेमडा है, लेमडा जो है ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा, इसको ख़त्म कर देते हैं, ये बराबर हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय n और मल्टीप्लाई बाय और ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, m के साथ मल्टीप्लाई। सो लैम्डा जो है ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा कितना है 12 डिवाइड बाई n की वैल्यू है 2.5, ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁵ और मल्टीप्लाई n कितना है m सॉरी जो है वो है 2। लैम्डा जो है ये इक्वल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो बराबर होगा 0.04158 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। ये हमारे साथ क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो इस तरह आ जाएगी 4, मतलब पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो जब पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4158 और 0.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 2 3 4 5 सो -5 एंड -5 ये हो जाएगा -10। सो ये हमारे साथ क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू। न्यूमेरिकल नंबर 6 में गिवन डेटा में नंबर ऑफ लाइंस थे, सेकंड ऑर्डर के लिए m की वैल्यू ये थीटा ये गिवन था, लैम्डा हमने फाइंड करना था, ठीक है। सो जो फार्मूला है वो किस चीज़ के बराबर है, d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब इस लैम्डा को फाइंड करना है, d गिवन नहीं है तो d की वैल्यू क्या है 1/n के बराबर है। इधर 1/n फुट की और लैम्डा जो है ये इक्वल आ गया साइन थीटा डिवाइड बाई एन और एम इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, और इससे जो आंसर आ गया वो। न्यूमेरिकल नंबर 7, सो स्टेटमेंट इस तरह है, इन सर्टेन एक्सरेज डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट ऑर्डर इमेज इज ऑब्जर्व्ड इट इन एंगल ऑफ 5 डिग्री पर क्रिस्टल प्लेन स्पेसिंग ऑफ 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻-10 मीटर, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज यूज्ड। अगेन इधर हमने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ को। गिवन डेटा ऑफ 7 नंबर न्यूमेरिकल। गिवन डेटा में जो सबसे पहला चीज़ गिवन है फर्स्ट ऑर्डर, मतलब m की वैल्यू है 1, ठीक है। इस तरह थीटा है कितना 5 डिग्री, d जो है d, ठीक है, d कितना है स्पेसिंग मतलब डिस्टेंस जो d है वो है 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻-10 मीटर, ठीक है। रिक्वायर्ड 7 नंबर न्यूमेरिकल में क्या है, सो रिक्वायर्ड है लैम्डा, अगेन वेवलेंथ। किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए। नाउ अकॉर्डिंग टू ब्रेग्स लॉ 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, ठीक है, m लैम्डा। ब्रेग्स लॉ के मुताबिक 2d साइन थीटा किसके बराबर होगा, m लैम्डा के। अब हमने किसको फाइंड करना है, लैम्डा। सो लैम्डा जो है ये बराबर हो जाएगा 2d इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय m। सो लैम्डा जो है ये इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई d कितना है, d है 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻-10 मल्टीप्लाई साइन और थीटा कितना है 5 डिवाइड बाई m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 1। सो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.48880, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻-10 मीटर, ठीक है। या इसको राउंड ऑफ करके जो आंसर आएगा वो आएगा 0.488 किसके करीब है, 9 के, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻-10 और मीटर। सो ये हमारे साथ आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था एक ऑर्डर विच इज m इज इक्वल टू 1 थीटा और d, लैम्डा हमने फाइंड करना था। सो अकॉर्डिंग टू ब्रेग्स लॉ, ठीक है। अब ब्रेग्स लॉ के मुताबिक 2d साइन थीटा इसके बराबर होता है। लैम्डा फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा। पॉइंट है एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ इज 0.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻ मीटर इज यूज टू गेट ब्रेक रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री फॉर द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। व्हाट आर द पॉसिबल लेयर प्लेन स्पेसिंग विच गिव राइज टू दिस मैक्सिमम। सो डी हमने फाइंड करना है। गिवन डेटा ऑफ 9th नंबर न्यूमेरिकल। एक है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? फर्स्ट, सो m इज इक्वल टू 1। दूसरा चीज़ गिवन है वेवलेंथ और वो कितना है? वो है 0.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ मीटर। ठीक है, इस तरह जो थीटा गिवन है वो कितना है? वो है 20 डिग्री। रिक्वायर्ड ऑफ दिस न्यूमेरिकल जो है वो क्या है? वो है डी। डी हमने फाइंड करना है। लेयर ऑफ प्लेन स्पेसिंग मीन डी को हमने फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अब ब्रेग्स लॉ के मुताबिक 2d साइन थीटा जो है किसके बराबर होता है? m इंटू लैम्डा के। d को फाइंड करना है। सो d जो है ये बराबर हो जाएगा m लैम्डा डिवाइड बाई 2 साइन। सो अब वैल्यूज पुट करेंगे। d आ जाएगी कितनी? डी आ जाएगी m है 1, लैम्डा है 0.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ डिवाइड बाई 2 और साइन 20। सो d आ जाएगी कितनी? d आ जाएगी 0.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ मीटर। ठीक है, सो ये हमारे साथ आंसर आ गया कि लेयर प्लेन स्पेसिंग कितनी है। ये गिवन डेटा में जो ऑर्डर था वो था 1, लैम्डा गिवन था, थीटा गिवन था, डी को फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू ब्रेग्स लॉ जो 2d साइन थीटा होता है वो इसके बराबर होता है। डी को फाइंड करना है तो वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 9। स्टेटमेंट ऑफ 9th नंबर न्यूमेरिकल है द स्पेसिंग ऑफ वन सेट ऑफ अ क्रिस्टल प्लेन इज सोडियम क्लोराइड टेबलेट इज डी इज इक्वल टू 0.282 नैनोमीटर। अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस अ ब्रेक मैक्सिमम व्हेन इट्स क्रॉसिंग एंगल विद दीज प्लेन्स इज थीटा इज इक्वल टू 7 डिग्री। एज्यूम दैट दिस इज इन अ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम n is equal to 1, find the wavelength of an X-ray. So given data of last number numerical, ठीक है। So last number numerical में जो given data है इसमें है d और d है 0.282 नैनोमीटर। ठीक है, so ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 0.282 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। इस तरह दूसरा जो चीज़ गिवन है वो है एंगल थीटा, वो कितना है? 7 डिग्री। ऑर्डर है फर्स्ट। ठीक है, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है फर्स्ट। सो जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो हमने क्या फाइंड करना है? हमने लैम्डा को फाइंड करना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम किस चीज़ को फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? लैम्डा को। सो अकॉर्डिंग टू ब्रेग्स लॉ अगेन 2d साइन थीटा जो है ये किस चीज़ के बराबर होगा? ये हो बराबर होगा n लैम्डा के। इसकी जगह आप n भी लिख सकते हैं, m दोनों ठीक है, सही है। सो m लैम्डा। अब हमने लैम्डा को फाइंड करना है। ठीक है, सो लैम्डा जो है ये इक्वल हो जाएगा 2d साइन थीटा डिवाइड बाई m। सो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.282 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई साइन 7। ठीक है, डिवाइड बाई m है 1। सो लैम्डा वेवलेंथ बराबर हो जाएगा कितना? ये आ जाएगा 0.069 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। सो ये लास्ट नंबर आंसर आ गया। इसको अगर हम नैनो में लिखे तो ये हो जाएगा 0.069 और 10⁻⁹ का क्या मतलब? नैनो। सो ये हो जाएगा मीटर। सो गिवन डेटा ही था, देखिए डी था, थीटा था और ऑर्डर था। लैम्डा फाइंड करना है ब्रेग्स लॉ के मुताबिक, 2d साइन थीटा इसके बराबर होता है। सो इससे हमने लैम्डा को फाइंड कर दिया। एनीवे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कोई सजेशन हो, ठीक है। आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। खुदा हाफिज़।